अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए पोटैटो स्टार्टर्स की एक बहुत ही गुड लुकिंग सी, टेस्टी सी, मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट है, जो भी देखेगा मुंह में पानी आ जाएगा, बिल्कुल ख़ुद को रोक नहीं पाएगा, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो बच्चों को लंच में दें, गेस्ट को सर्व करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले लेने हैं 4 अदद बड़े साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको मैंने मोटा मोटा सा काटा हुआ है। अब हमने इनको अच्छे तरीके से मैश करना है। मैश जो है, हमेशा की तरह मैं आपको ये कहती हूँ कि बहुत परफेक्ट कीजिएगा, ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रह जाए। अच्छे तरीके से इनको मैंने मैश कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीन कोरिएंडर लिया है, इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग 4 बड़े चम्मच ही कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। ठीक हो गया। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप हो गया है सही तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट मैंने 2 टीस्पून ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। चलें, इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। बस यही मसाले मैंने इसमें डालने हैं। इसके बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। थोड़ा सा इसको डो फॉर्म में ले आना है। ये देखें, डो फॉर्म में आ गया है। बहुत ज़्यादा ये थिक सा या बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना, बस नॉर्मल सी इसकी इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये रेडी है। इसके बाद अच्छे तरीके से हाथों को धो के गीला कर लें, ऑयल नहीं लगाना, पानी लगा के, और इस तरीके से बिस्किट की शेप देके छोटी छोटी सी इसकी टिक्की सी बना लेनी है, जैसे बिस्किट होते हैं नॉर्मल गोल शेप में। तो तमाम मैंने रेडी कर लिए हैं। अभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने वाली हूँ, इनकी लुक मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको डोनट शेप की थोड़ा सा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने एक ढक्कन लिया है। आप कोई भी छोटा सा कुकी कटर या कोई भी ढक्कन आपके पास अवेलेबल हो, उसकी मदद से इस तरीके से सेंटर में इसको थोड़ी सी शेप बना देनी है। अगर ये शेप नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बना देंगे तो थोड़ा सा लुक जो है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। ये देखें, तमाम मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब मैं इनको करने वाली हूँ फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ठंडे ऑयल में इनको बिल्कुल भी नहीं डालना। ठंडे ऑयल में अगर आप इसको डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ये फूल जाते हैं गर्म ऑयल में डालने के बाद। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसी तरीके से अब मैं इनको लाइट गोल्डन सा, जैसे बिस्किट का कलर होता है, सेम इसी तरीके से मैं इनको एक साइड से लाइट सा कलर देने के बाद टर्न कर दूंगी, और दूसरी साइड से भी सेम एज़ इट इज़ मैं इनको कलर आने तक पकाऊंगी। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, वरना इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। ये देखें, ये फ्राई हो गए, अच्छा सा लाइट सा इसमें कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ स्टेनर पे, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। बहुत मज़े की रेसिपी है, रमज़ान के लिए भी बेस्ट है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते, फ्रेश बना के खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में मैंने इनको निकाल लिया है, और सबसे जो मेन प्रोसेस है वो हमें अब करना है, तो क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी सॉस प्रिपेयर करनी है, जिसकी वजह से असल तो इसमें टेस्ट आएगा। 4 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करना है। अगर सोया सॉस अवेलेबल है तो आप सोया सॉस ज़रूर डालिए, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सेसमे सीड्स ऐड किए हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 पिंचेस मैंने सॉल्ट ऐड किया है, स्पाइस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी बढ़ा दें। इसके बाद मैंने इसमें मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं 1/2 टीस्पून। अगर ऑरिगेनो डालना चाहते हैं तो आप बेशक ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हनी का ऐड किया है। बहुत ही मज़ेदार सी सॉस प्रिपेयर होने वाली है। ये सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सबसे इसका जो मेन पार्ट है वो ये सॉस है, और इस सॉस की वजह से इसमें असल टेस्ट आता है। तो सॉस रेडी हो गई है, अब इस पर हम अच्छे तरीके से पोर कर लेते हैं। इस तरीके से करिएगा कि तमाम जगह से अच्छे तरीके से स्प्रेड होनी चाहिए। ये देखिए,
बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमारे पास रेडी हो गई है। पोटैटो स्टार्टर्स हमारी रेडी हैं। इनकी ओवरऑल लुक भी देख लें, क्लोजली देखें कितने मज़ेदार से, बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और फीडबैक भी देना है आपने मुझे कि आपने बनाए हैं तो आपको कैसे लगे हैं। आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।